बेटे अब हमें करना है अपना क्वेश्चन नंबर 12। इन द एडजॉइनिंग फिगर एम एन पी क्यू एंड ए बी पी क्यू आर द पैरेललोग्राम्स एंड टी इज एनी पॉइंट ऑन द साइड बी पी। प्रूव दैट एरिया ऑफ एम एन पी क्यू एंड एरिया फॉर ए बी पी क्यू इक्वल होगा और इस ट्राइंगल का एरिया हाफ ऑफ पैरेललोग्राम होगा। देखिए इस सेम बेस पर दो पैरेललोग्राम बन रहे हैं, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। सेम बेस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स पर जो पैरेललोग्राम बनते हैं उनके एरिया इक्वल होता है। ठीक है, यही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। आपको गिवन है एम एन पी क्यू एक पैरेललोग्राम है और इस पी क्यू बेस पर ही ए बी पी क्यू एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम एम एन पी क्यू एंड पैरेललोग्राम ए बी पी क्यू ऑन अ सेम बेस क्यू पी बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सो बाय थ्योरम एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम एन एन पी क्यू इक्वल होगा एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी पी क्यू। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए क्यू टी हाफ होगा पैरेललोग्राम एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ए पी बी क्यू, क्योंकि सेम बेस ए क्यू बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ए क्यू एंड बी पी। सो फ्रॉम वन एंड टू, देखिए आपको पता है सेम बेस पर अगर एक पैरेललोग्राम बनता है और एक ट्रायंगल बनता है तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के आधा होता है। सेम बेस है दोनों का ए क्यू बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ए क्यू एंड बी पी। ठीक है, तो ये जो ए क्यू टी है यानी ए ए क्यू टी, ये जो ट्रायंगल है ये इस पैरेललोग्राम का हाफ है। अब चूंकि ये पैरेललोग्राम और ये पैरेललोग्राम का एरिया सेम है इसलिए ये वाला ट्रायंगल का एरिया इस वाले पैरेललोग्राम का भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम वन डाल दिया, इसे हमने टू डाल दिया। अब ये दोनों एरिया इक्वल है तो इसकी जगह हम ये एरिया लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम वन एंड टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए क्यू टी इज अ हाफ ऑफ पैरेललोग्राम एम एन पी क्यू। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ ट्रैपेज़ियम, ये एक ट्रैपेज़ियम भी है और डी सी ए बी के पैरेलल है, ए सी और बी डी डायगोनल है जो कि ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। आपको प्रूफ करना है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए ओ डी इक्वल है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बी ओ सी के। नाउ आपको गिवन है ट्रैपेज़ियम ए बी सी डी, ए बी पैरेलल है डी सी के, डायगोनल ए सी एंड बी डी एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी के। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए सी बी सेम बेस ए बी पर है बिटवीन टू पैरेलल साइड्स ए बी एंड डी सी। सो बाय थ्योरम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी। देखिए ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों सेम हुए, ये पार्ट वो ट्राइंगल है जो कि इसका और इसमें कॉमन है, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में ये पार्ट कॉमन है। तो इस पार्ट को अगर हम सबट्रैक्ट कर देंगे दोनों में से तो ये दोनों एरियाज इक्वल आ जाएंगे। नाउ सबट्रैक्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ पी फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से माइनस कर देंगे तो बचा हुआ एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी और ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी। क्लियर हो गया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब आपका है ये फिगर दिया बेटा, ये एक ट्राइंगल है डी ई बी सी के पैरेलल है। ठीक है, और ये कहा जा रहा है इन एडजॉइनिंग फिगर डी ई पैरेलल बी सी है। आपको प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी ई इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी डी। नाउ इन अ ट्राइंगल बी डी ई बी बी डी ई और सी डी ई का ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया सेम होगा क्योंकि ये दोनों सेम बेस डी ई बिटवीन टू पैरेलल साइड्स के बीच में बने हैं। नाउ ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल सी ई ऑन अ सेम बेस डी ई बिटवीन टू पैरेलल साइड्स डी ई एंड बी सी। सो बाय थ्योरम एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, इसे नंबर वन डाल देंगे। अब देखिए आपको ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया इक्वल बताना है, तो ये जो ट्राइंगल का एरिया है इसको अगर हम दोनों ट्राइंगल में जोड़ देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। एड
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बोथ साइड, दोनों साइड आप इसको ऐड कर देंगे। देखिए इसमें इसको ऐड करा, इसमें डाला, जब इसमें इसको ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, और जब इसमें ऐड करेंगे तो मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई। यही आपको प्रूफ करना था। दूसरा आपको प्रूफ करना है ये एरिया और ये एरिया इक्वल है, तो ये एरिया इस ट्राइंगल का पार्ट भी है, इसका भी है, इसको हम दोनों में से सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये एरिया और ये एरिया इक्वल हो जाएगा। नाउ सबट्रैक्ट ओ डी ई बोथ साइड फ्रॉम वन, यानी बी डी ई में से ट्राइंगल ओ डी ई को माइनस करेंगे और ट्राइंगल सी ई डी के एरिया में से एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ डी ई माइनस करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी डी इक्वल मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी ई। अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।